बीमार होता है या गमजदा होता है या परेशान होता है तो उसकी तवज्जो सरासर उस खास परेशानी की तरफ हो जाती है, बाकी चीजें इतनी अहम नहीं रहती जो गैर जरूरी होती। बल्कि बीमारी में तो इंसान बाज़ुकात अपने फराइज तक से भी गाफिल हो जाता है और बहुत सी चीजें उससे छूट जाती। अगर इंसान देखे तो इसमें भी एक मुस्बत पहलू है, क्योंकि इंसान आम हालात में इतनी मसरूफियत का शिकार होता है कि उसको बाज़ुकात बहुत अहम चीजों की तरफ तवज्जो देने का वक्त ही नहीं होता, सोच ही नहीं आती। लिहाजा जब उससे बाकी सब चीजें छूट जाती हैं और वो एक तरह से खामोशी और तन्हाई और जिस्मानी तौर पर कमजोरी का शिकार होता है तो उससे बहुत से पर्दे हटते हैं, उसे अपनी हकीकत का पता चलता है, उसे अपनी आखिरत के बारे में सोच आती है कि मेरा अंजाम क्या होगा, मेरे साथ क्या मामला होगा, कल मेरा क्या बनेगा जब सब मेरा साथ छोड़ जाएंगे, हत्ता कि मेरा अपना जिस्म भी मेरा नहीं रहेगा, क्योंकि क़यामत के दिन इंसान का जिस्म भी इंसान के खिलाफ गवाही देगा। ये सोच आम दिनों में नहीं आ सकती, इंसान ऐसी चीजों के बारे में सोचता ही नहीं, क्योंकि जब तक जिस्मानी तौर पर वो ताकतवर होता है, बाहिम्मत होता है, वो समझता है वो सब कुछ कर सकता है, उसके लिए कुछ मुश्किल नहीं, हर चीज उसके काबू में है, कंट्रोल में है, हर चीज उसकी अपनी है। लेकिन जब बीमार होता है तो फिर आस्ता आस्ता उसको अंदाजा होता है कि उसका ये ख्याल गलत था, उसकी ये सोच दुरुस्त न थी। इसलिए बीमारी तथहीर का जरिया बनती है, सफाई का जरिया बनती है। बाज़ औक़ात जिस्मानी बीमारी रूहानी सेहत का जरिया बनती है, क्योंकि बीमारी में इंसान के गुनाह भी धुलते हैं, छोटी बीमारी हो या बड़ी हो। जैसे एक मौके पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक खातून को देखा जिसे बुखार था, जो बुखार को बुरा भला कह रही थी, तो आपने फरमाया कि तुम इसको बुरा भला ना कहो। मोमिन के गुनाह बीमारी में इस तरह जड़ते हैं जैसे खजा में दरख्त से पत्ते जड़ जाते हैं। हत्ता कि मोमिन जब अल्लाह से मुलाकात करता है इन बीमारी के बाद जब फौत होता है तो वो इस हाल में अल्लाह से मिलता है कि वो बिल्कुल पाक साफ हो चुका होता है, यानी उसके जिस्म पर एक भी गुनाह बाकी नहीं होता, बिल्कुल साफ सुथरा। लेकिन आमतौर पर लोग ऐसे शख्स के बारे में जो बहुत सख्त बीमारी का शिकार हो जाए बदगुमानी और वसवसे और बुरी सोच रखते हैं कि लगता है कि ये शख्स को बहुत ही गुनाहगार था इसलिए इस मुसीबत में पकड़ा गया है। हालांकि मोमिन के लिए वही बीमारी वैसे रहमत होती, वो कतरा कतरा धुल रहा होता है, और फिर वो तकलीफ अगर वो उस पर सबर करे तो आखिरत के अजर और दर्जों की बुलंदी का जरिया बन रहा होता है। लेकिन अमूमन इंसान इस तरह सोचता नहीं, शैतान इंसान को मायूस करने लगता है। जहां बीमारी इंसान के लिए रूहानी सेहत का जरिया बनती है, वहां बीमारी शैतान के वसवसों को मजीद दावत देने का जरिया भी बनती है, अगर उसकी सोच मुस्बत ना हो, मनफी हो। और मनफी सोच क्या होती है कि मुझ में ये बीमारी क्यों आ गई, और इट्स नॉट फेयर, मेरे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, या बच्चे के साथ ऐसा क्यों हो गया। तो बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं कि जो इंसान को इस हद तक परेशान कर देती हैं कि इंसान के ईमान के जाने का भी अंदेशा होता है। तो सबसे पहली बात तो ये कि इंसान पर जब कोई बीमारी आए तो वो क्या सोच रखे कि इस बीमारी का इलाज मौजूद है, फिर वो अल्लाह से दुआ करे और इलाज शुरू करे।